अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट दिए जाने वाले पहले खिलाड़ी बने एंजेलो मैथ्यूज। वनडे विश्व कप 2023 में सोमवार को दिल्ली में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में श्रीलंकाई ओएनएल राउंडर एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया गया। सदीरा समर विक्रमा के आउट होने के 2 मिनट के अंदर बल्लेबाजी के लिए तैयार न होने पर 35 वर्षीय मैथ्यूज को बांग्लादेश की अपील पर आउट दिया गया। गलत हेलमेट लाने के कारण मैथ्यूज को देरी हुई थी। मैथ्यूज एक भी गेंद नहीं खेले और उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। जानिए आखिर क्या है पूरा मामला। मैथ्यूज 25वें ओवर में सदीरा समर विक्रमा के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे। उनका हेलमेट सही नहीं था और उसे पहनने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे में उन्होंने पवेलियन से दूसरा हेलमेट लाने को कहा। इस दौरान बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने मैथ्यूज के खिलाफ आउट की अपील कर दी। अंपायर मैथ्यूज के पास गए और उन्हें वापस जाने को कहा। मैथ्यूज कुछ देर तक अंपायर से बहस करते रहे और फिर वापस लौट गए। क्या कहता है नियम? नियम के अनुसार कोई विकेट गिरने या बल्लेबाज के रिटायर होने के बाद आने वाले बल्लेबाज को गेंद खेलने के लिए 3 मिनट के भीतर अगली गेंद खेलने के लिए तैयार रहना होगा। इस विश्व कप में यह समय 2 मिनट का है। ऐसा नहीं होने पर यदि गेंदबाजी टीम अपील करती है तो बल्लेबाज आउट करार दिया जा सकता है। 146 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में यह पहला मौका है जब कोई खिलाड़ी ऐसे आउट हुआ।